मुंह पे लगा दे, काम की सुनाई पे डाल दे, अलग पे डाल दे, फेफड़ों में उतार दे, इसे रख ले तब भी सुनाई पड़ेगा, अच्छा मोबाइल है। अब देखो होता क्या है, तुम लोग को मैं बताता हूँ, मार्केट में तुम लोग जैसे अब तुम लोग ट्वेल्थ के बाद निकलोगे, ठीक है, कुछ लोग के अपने अपने पर्पज है, भाई हमें ये करना, हमें ये करना, हमें ये करना, नीट वीट वीट कुछ भी करना तुम लोग को, ठीक है। अब अगर तुम लोग नीट वाले गिमिक में फंस गए तो भाई ये समझो तुमसे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई सा भी एग्जाम सामने बोर्ड पे समझो जरा हो क्या रहा है। देखो सिंपल लॉजिक ये है कि तुम लोग हमेशा ना जब एक बिगर पिक्चर की मेहनत करोगे तो तुम्हारा शायद साइड में से कुछ निकल गया है। अब एक चीज बहुत ध्यान समझ लो, कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेवलप कराई है, ठीक है, मैंने कहीं सुना नहीं है, बहुत ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, बेस ना बिल्कुल भी इसको मैं वीडियो बनाऊंगा पार नहीं, ठीक है। देखो क्या होता है, समझो तुम्हारे पास सामग्री है, सामग्री एक इंसानी भाषा में होता है टाइम। तुम लोग मेरे पास आते हो ना तो तुम लोग मेरे को सिर्फ मेरे टाइम की पैसे देते हो और किसी चीज नहीं देते, मेरे को नॉलेज के पैसे नहीं दे रहे। यू कैन लर्न इट योरसेल्फ, तुम लोग माथा मारो किताब में, एक साल दो साल लगेगा तुमको, बट यू कैन लर्न, बहुत सिंपल लॉजिक है। जेनेटिक्स तुम लोग पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, दिस अ वेरी गुड सोर्स कॉल्ड यूट्यूब ओवर है, ठीक है, बट हम लोग कर सकते हैं। बट हम लोग क्या रिड्यूस करना चाह रहे, वी आर ट्राइंग टू श्रिंक द टाइम जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। दे कैन बी मल्टीपल रीजंस, कुछ भी हो सकता है, किसी को घूमने मजा आता है, किसी को जर्नी मजा आता है आने जाने की, और किसी को जो है पढ़ना पसंद है, इस तरह से जस्ट इन केस ऑफलाइन पसंद है उसको, ठीक है। बट ऑल यू आर डूइंग इज सेविंग टाइम। तुम लोग खुद सोचो, क्या तुम लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन ऐसी प्रोसेस हमने पढ़ ली है अब तुम्हें, क्या तुम लोग खुद नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बट व्हाट यू हैव रिड्यूस्ड द टाइम, ठीक है, तुमने श्रिंक कर दिया। कैसे? बिकॉज ऑन माय प्रायर नॉलेजेस जो मैंने एक्वायर करी है, जितना विकेरियस मैंने ट्रेनिंग कराया, तो वो मैंने तुम्हें अगर एक तरफ निचोड़ के सत दे दिया, और वो टाइम जो तुम्हें लगता है एक घंटा नहीं, जैसे तुम्हें कुछ लग गए जैसे पांच से छह दिन लग गए जेनेटिक्स का एक टॉपिक समझने में, वी हैव श्रंकन इट डाउन टू ओनली 10 मिनट्स, लेट्स सी लैक ओपन, बच्चे लोग समझते रहते समझते रहते समझते रहते कब आ जाता है एग्जाम भी हक के आते हैं, बट वी आर वेरी वेल वर्स विद लैक ओपन, राइट, हमें पता चल गया तुमने क्या कम करा, तुमने टाइम कम करा, दैट्स व्हाट इज अ सेइंग कॉल्ड टाइम इज मनी, इसीलिए एक सेइंग है टाइम इज मनी, ठीक है। इसीलिए जब तुम लोग यहां आते हो, यू आर नॉट पेइंग मी फॉर कि भाई तुम लोग को कोई नॉलेज दे रहा हूं, यू आर जस्ट पेइंग मी फॉर टाइम, ये मेरा टाइम था एक घंटे का स्पैन इक्वल्स मनी। अब समझते जाना बहुत अच्छा तरह तुम लोग को, सोचो तुम्हारे पास सामग्री है जो कि है टाइम, ठीक है। अब ये जो सामग्री है तुम्हारे पास सफिशियंट है कि यू कैन मेक अ केक, यू कैन बेक अ केक आउट ऑफ इट, बहुत आराम से तुम लोग केक बेक कर सकते हो। बट व्हाट मार्केट इज ट्राइंग कि भाई तुम लोग एक पेस्ट्री बेक करो, क्या बेक करो? पेस्ट्री। देखो अब समझना बहुत प्यार से बात समझना, ये पेस्ट्री एक केक का पार्ट होती है, केक नहीं होती है, ठीक है। इफ यू आर ओनली फोकस्ड ऑन नीड देन यू माइट बी ओवरलुकिंग द बिगर पिक्चर, ठीक है, तुम शायद एक बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे होगे जो कि थी केक, नीट इज अ पेस्ट्री। अब समझते हैं हम लोग के पास, अगर हम लोग के पास टाइम है, वी हैव दैट सामग्री, राइट, हम लोग क्या इन्वेस्ट करेंगे इसमें? सामग्री के साथ हमें बहुत सारी एडिशनल चीजें चाहिए होती ना, हम लोग को मल्टीपल देयर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ओवर हियर इज टाइम, ठीक है। वी हैव टाइम, लेट्स से आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम क्लास 12th तुम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, लेट्स से एक साल का तुमने ड्रॉप लिया, वन इज मोर देन इनफ, ठीक है, याद रखना, बिकॉज 12th तुमने बच्चे से करी, 11th तुमने बच्चे करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े बहुत, तो तुम लोग अपने सिर्फ शॉर्ट कमिंग्स को ठीक कर रहे हो। अब एक चीज, इफ यू आर स्टडिंग नीट रिलेटेड, तुम लोग देखते हो मार्केट में बहुत लोग एक साल गैप लेते हैं, ड्रॉप करते हैं, बट येट दे फेल, ठीक है। बहुत ऐसा भी होता है कि बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चा तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे सीनियर है कोई, एंड यू आर वॉचिंग कि भाई ये तो निकलेगा नीट, इसने एक साल ड्रॉप भी कर लिया, अब तो पक्का एम्स की सीट है, फेल, बिकॉज उसने सोली टाइम एक छोटी से पहलू पे लगा दिया, दैट इज नीट। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग करना क्या चाहिए, फिर बात ये आती है कि भैया अगर हमें पेस्ट्री बेक नहीं करने, बेक केक करना है तो हम कैसे करें? समझो, नीट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, नीट एक्स वाई जेड तुम्हारी जिंदगी में, तुम लोग आज के बहुत चीजें सीखोगे, बट ट्राई टू गैदर द नॉलेज फर्स्ट, ठीक है। और जिस दिन तुमने नॉलेज गेन कर ली, मतलब तुम पे सामग्री थी, उस सामग्री में तुमने क्या बेक करा पहले? नॉलेज। नॉलेज इतना बड़ा पूल है, तुम उसमें एक भी, तुम उसमें 100 पेस्ट्री काट लो, कड़वी पेस्ट्रियां, ये तुम्हारा नीट निकला, ठीक है। और ये अभी नहीं, अगर तुमने हैबिट डेवलप कर ली, तुम्हारे मल्टीपल एग्जामिनेशंस जो तुम फेस करोगे आगे लाइफ टाइम में वो भी बढ़ेंगे, इसके साथ साथ तुम लोगों को लाइफ लेसन भी मिल जाएंगे इसके अंदर।
बट सोचो अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पेस्ट्री बनाने की सामग्री तुम लोग सोच करते हो तो तुम पेस्ट्री ही बनाओगे या उससे कम बनाओगे, एक ब्राउनी बन जाएगी। इन द मोस्ट फेवरेबल केस यू कैन बेक अ ब्राउनी आउट ऑफ इट, दैट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज बट अ प्राइवेट कॉलेज विद अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस, ठीक है। बट वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिगर पिक्चर कि भाई नहीं हमें तो केक बेक करना है, हमें तो ये बनाना है, तो केक बनेगा बिकॉज सामग्री है हमारे पास, वी हैव टाइम एंड टाइम इज मनी, इन्वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी इन इट, जितना भी तुम लोग एनर्जी गैदर कर सकते हो आउट ऑफ इट लगाओ, और जिस दिन नहीं बनेगा उस दिन अपना नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। ये मुझे अभी मेरे को ना बहुत पास एक्सपीरियंसेस में मैं देख रहा था, बिकॉज समझो मैं अब तक ना ये चीज देख रहा था कि यूपीएससी एग्जामिनेशन है, यूपीएससी एग्जामिनेशन सबसे प्रीमियर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि इंडिया में होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, और इससे छठे में बच्चे ही क्यों निकलते, सोचने की बात कि इससे इतने कम बच्चे क्यों निकलते हैं, बिकॉज बच्चे उसके प्रोडक्ट पे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, सीधे सीधा प्रोडक्ट ऑफ यूपीएससी। बच्चे क्या करते हैं, सैंपल पेपर लास्ट ईयर सीडीएस, सैंपल पेपर लास्ट ईयर ये पंक्तियां, उससे क्या होगा, तुमने वो एक जो पुराना करिकुलम था उसे पढ़ लिया, बट यूपीएससी तुम्हारे फैक्ट चेक नहीं करता कि तुमने लास्ट कितना पढ़ा, इट चेक्स योर कंसेप्ट नॉलेज, हाउ मच ब्रेन यू आर यूटिलाइजिंग इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इफ इट इज फेज, ठीक है, समझना, और से समझते चले जाओ। अब मैं कह रहा था मैं लास्ट ईयर, मेरे को अब तक जो अपना मेरे को, क्योंकि देखो हर बंदे को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए, इफ यू डोंट नो योरसेल्फ यू कैन नॉट, यू कैन नेवर लीड, तुम कभी लीड नहीं कर सकते, यू विल बी फॉरएवर अ फॉलोअर, तुम फॉलोअर बन जाओगे, और फॉलोअर बनना बहुत बेकार बात है, ठीक है। इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम लीडर्स देन लीडर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो लीडर्स ही बनाए आगे, वो फॉलोअर्स ना बनाए, ठीक है, समझते जाना। देखो अब लेट्स से मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, इस बार मैंने क्या रूटीन चेंज किया और मेरे को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके समझते चले जाना। देखो मेरे पास एक बुक है उसमें हाँ बस 5000 एमसीक्यू है, ठीक है, 5000 एमसीक्यू हो गए मतलब दैट्स अ वेरी वास्ट बुक, ठीक है, बहुत थरो है अंदर से बाहर तक एक एक चीज को लेके। लेट्स से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कल, ठीक है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कल पढ़ा, मैंने फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीस ये सब मैंने पढ़ा, ठीक है, मैंने पढ़ा पूरा, ठीक है, मैंने सिर्फ लास्ट के क्वेश्चन ही देखे 5 साल के, मैंने वो पूरा पढ़ लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने केक तैयार कर लिया, निकालो क्या क्वेश्चन निकालोगे इससे, निकालो जो निकलेगा कटेगा, जो निकलेगा कटेगा, जो निकलेगा कटेगा, आंसर निकलेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर करता भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट हो गया था, ठीक है, कमेटी के हेड ये थे, और 26 दिसंबर में यहाँ पास इसका ये हुआ, 26 जनवरी को ये फोर्स में आ गया, 26 जनवरी को इसमें बनाते, 26 जनवरी की एक अर्ली इंपॉर्टेंस भी थी, मैंने इन तरह से क्वेश्चन पढ़े, बट व्हेन आई रेड द कॉन्स्टिट्यूशन होल तो मेरे को सामग्री मिल गई, सामग्री मैंने डाली, मेरे को रिजल्ट मिले, काटो कितने क्वेश्चन निकालो इससे, जितने निकालो सारे आंसर आएंगे, ठीक है। बट सोचो अगर मैं यहीं पे काम करता था जस्ट लाइक दिस, तो जो लोग देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बट सबसे पहला फोकस हम लोग को होना चाहिए कि वी शुड हैव थरो नॉलेज ऑफ व्हाट वी आर रीडिंग एंड व्हाट वी आर स्टडिंग। अगर हम लोग को उसी चीज का नॉलेज नहीं है तो क्या फायदा, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, जैसे मेरी गलती थी ना ये, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास उसके फिजिक्स के और केमिस्ट्री करे तो मेरे को रिजल्ट ही वही मिला, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट 70 out of 70। जब मैंने प्रिपरेशन कुकी के लिए की थी केक भी नहीं तो मैं कैसे 70 out of 70 लेके आऊंगा, वो तो एक बबल ड्रीम हो गया, वो एक पाइप ड्रीम हो गई कहानी, वो बेवकूफ वाली बात हो गई है कि नहीं। तो ये चीज अलाउ करो अपने दिमाग में सबसे पहले कि व्हेन यू आर स्टडी एकदम घुस जाओ उसमें, डूब जाओ भाई, तुम्हें यहां से लेके वहां तक पता होना चाहिए कि अगर तुमसे कोई बंदा टैकल करता है तो तुम इतने जवाब दे हो कि मजा आ जाए। दूसरी बात समझते हैं हम लोग आज, जैसे एक हम लोग फिगर्स स्टडी करते हैं ना, तुम लोग कभी भी देखोगे, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कैसे मार्केटिंग होती है कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट बेस्ट है और कैसे तुम लोगों को ना बेवकूफ बनाते हैं एम्स आकाश, ये आकाश एलएन और इस तरह के एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूट जो है पास, कैसे मार्केट कैप्चर करते हैं आपस, वो समझते हैं हम लोग एक चीज बहुत ध्यान समझते हैं, बिकॉज ये मार्केटिंग गिमिक है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बाकी तुम्हें गाइडेंस की हेल्प मिलती है, दे कैन प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस, ठीक है, क्रीम लेयर होते हैं पढ़ाने के लिए। बट एक चीज समझो, फिगर्स की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, 12 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, हर साल बैठते हैं 12 लाख बच्चे नीट के लिए, ठीक है। अच्छा 12 लाख में इस टाइम ये बताओ कितने बच्चों ने यहां पे नीट भर रखा है,
कितने बच्चे प्रिपेयर्ड हैं? बहुत बढ़िया, दिस इज द रेशियो, दिस जस्ट ओनली इंक्रीजेस द डेसिमल्स, ये डेसिमल के बाद लेने जीरो को नंबर इंक्रीज कर रहा है। बट अगर असल कॉम्पिटिशन देखते हैं हम लोग, ठीक है, असल कॉम्पिटिशन पे आते हैं हम लोग, 12 लाख में मैं ये भी नहीं मानता 50,000 बच्चे प्रिपेयर्ड होंगे, 50,000 बहुत ज्यादा नंबर है, 50,000 मतलब मान लेते हैं हम लोग, 50,000 इज द नंबर ऑफ दोस कैंडिडेट हु आर वेरी विलिंग और इन एंड आउट, वो एकदम नीट 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 है, ठीक है, 50,000 है, 50,000 में हम लोग कम करते हैं अभी, ये जो 50,000 प्रिपेरेशन है इन्होंने किन सोर्सेज से और कैसे करी, कितना टाइम इन्वेस्ट करा, उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से आई प्रिपेयर्ड फॉर नीट एग्जामिनेशन फॉर कंप्लीट 1 ईयर और वन कंप्लीट ईयर आई डिवोटेड माय सेल्फ इन एंड आउट फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, बट मेरी सोर्सेज और मेरी नॉलेज बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, मैं बहुत लिमिटेड कंटेंट से पढ़ रहा था, तो उनमें से इन बच्चों को हम लोग साफ करते हैं, इन बच्चों को साफ करा हम लोग ने, 10,000 बच्चे बचे जो सीट ज्यादा है हमारे पास अभी भी, 10,000 से ज्यादा सीट्स हैं हमारे पास ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन के लिए, फ्री की बढ़ती सीट देखो। अब इसमें मुझे ये बताओ कि भाई अगर एम्स जो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट करता है अगर वो 2,000 बच्चे ले रहा है तो 10,000 में से 2,000 बच्चे कहां का बुरा रेशियो है, कहां का बुरा रेशियो है? 1 से 50,000 बोलता हूं जब गधे भी इंक्लूडेड थे, बट जब मैंने बात करी इस चीज की, व्हेन आई एम टॉकिंग फैक्ट्स, इसमें तुम लोग चेक कर सकते हो, तुम लोग हर साल यही कबाड़ होता है, हर साल सिर्फ रेशियोज इंक्रीज होते हैं जस्ट बिकॉज कि बच्चे ज्यादा अपीयर हो रहे हैं आउट ऑफ वॉलंटियर इफेक्ट, उनका मन था देने का कि जी हम तो देख रहे थे पैटर्न कैसा है, ठीक है। 2000 बच्चे अगर एम्स उठा रहा है पूरे साल में, बाकी बचे बच्चे 8,000 जो हमारे पास हैं उनसे ज्यादा सीट्स है हमारे पास, उनसे तो सीट्स है मेरे पास, सिर्फ अगर मैं यूपी यूपी की सीट्स निकाल दूं मेरे पास कम से कम 3,500 के आसपास सीट्स हैं यूपी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये कितना बढ़िया रेशियो है, ठीक है। इसी में से एएमसी निकालता है 10,000 में से, काटते चले जाओ काटते चलो, ज्यादा हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे हम लोग, ये बच्चों को सीट मिलती है भाई, ये बच्चों में सीट मिलती है, कहां से कठिन हो गया, तुम्हारे एफर्ट है। कभी मैराथन देखिए, मैराथन जब शुरू होती ना तो देखो कुत्तों तेरे भीड़ भयंकर, ओ भाई यहां से वहां तो लोग ही लोग दिखाई देते, सरी सर गंजे पैर पड़े भरती, बट मैराथन कभी फिनिश होते देखिए, एक दो चार पांच छटनी होती है, 12 लाख जो बच्चे थे ना दे ट्राइड दे नेवर इवन रीच हेयर और हेयर नेवर इवन हेयर, 6 लाख लोग कभी यहां तक भी नहीं आए बिकॉज ऑल इन ऑल वो गिव अप कर देते हैं, नहीं हो रहा हमसे, वो भी गिव अप कर देते जो इस टाइम इंस्टीट्यूट्स में है, वो भी गिव अप कर चुके होते हैं, ठीक है, होपलेस केसेस, एंड देन दे आर टेलिंग नहीं यार बहुत कठिन है मेडिकल एग्जामिनेशन, नहीं यार बहुत कठिन है यूपीएससी एग्जामिनेशन, हाउ कम यू आर सीइंग दिस, ये कहां का जस्टिफाइड फैक्ट है? तुम लोग उंगली तब उठाना, तुमने इन एंड आउट पूरी बोल ग्रुप ड्वेल थे उस चीज के अंदर, तब उंगली उठाओगे तो मजा भी आएगा कि मेरी एफर्ट्स थे, डाइट एंड एफर्ट्स तो करने शुरू करो, खत्म करो ना अंजाम जो तुमने उठाई चीज उसको अंजाम पे लेके जाओ पहले, फिर बात करेंगे, फिर अगर तुम्हें रिजल्ट मिलते तो बता देते, बता देना रिजल्ट्स मिलते हैं भाई, बिकॉज तुम देख रहे हो मैं तुम्हें फैक्ट्स बताए तो ये चीज तुमको दिख रही होगी कितना ईजी है एग्जामिनेशन, बहुत ईजी है एग्जामिनेशन, तुमने मेहनत करी उस तरह की, मेहनत ही नहीं करी तो तुम्हें ईजी भी लगेगा, फिर सोचने की बात, सिंपल फैक्ट्स। तो सबसे पहली चीज जो तुम लोग को करनी है हमेशा जिंदगी में, नॉट जस्ट फॉर दिस बट फॉर एनी एन नंबर ऑफ एग्जाम्स और लाइफ स्ट्रगल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, प्रिपेयर होल हार्टेडली, ठीक है। कभी तुम हाफ हार्टेड काम करोगे हाफ हार्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, फुल हार्टेड काम करोगे फुल्ली रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज अगर तुम अभी बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, फर्स्ट टैकल फर्स्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज द बोर्ड एग्जामिनेशन, फर्स्ट हर्डल तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन क्रॉस करना है, फुल हार्टेड एफर्ट डालो, ये मत सोचो कि यार नींद आ रही सो जाते चलो, अगर तुम्हें फिर ये चीज का तो मना ले, यही चीज तो तुम्हारे गोल से थोड़ा सा दूर कर देती है। मेरा बताता हूं मैं, कल मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि यार ड्राइव पैड आधे गर्म होगा थोड़ा सा ऐसा भी ले जाता हूं, मगर भाई फिर मेरे को लगा कि नहीं यार इस बार निकालना किसी जगह को देख रहा, इस बार हेल्प करनी है, मैं उल्टा बेड से निकला हुआ, ठीक है, नंगे नंगे पैर बाहर चल गया, ठीक है, यहाँ को तुम सूसू भी कर रखी थी, ठीक है, उसमें पैर ही पड़ गया और ठंडे हो गए पैर, ठीक है, आया वापिस कुर्सी बैठा, ठीक है, फिर किताब खोली, मन नहीं था, पढ़ रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ किताब, फिर कुछ चीज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग दिख गए थे, आई वॉज सर्चिंग कि भाई कौन कौन से वर्ड्स हुए हैं,
कौन कौन से प्रॉक्सी वॉर्स हुए हैं, काउंटर इंसर्जेंसी क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या है, नहीं है वो रिलेटेड यूपीएससी नॉलेज से, बट नॉलेज है भाई, वो चीज पैकेज है, वो नॉलेज है, वो तुम्हें पैकेज बना रही है, समझ आ रहा है? तो मैंने वो पढ़ लिया और हमेशा याद रखना चीज, तुमने यहां से लेकर वहां तक कुछ भी पढ़ा, कभी तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि वो कभी काम ना आए, कभी भी देखना, गेटअप मारने भी काम आ जाएगा। चलो तुम्हें अगर एक चीज एक्स्ट्रा पता है ना, तुम्हारा गेटअप बन जाएगा, समझ के रखना इस बात को। ये तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, क्लास 11 से ही बोल रहा हूँ, इफ यू आर स्टडिंग तो ऐसा पढ़ो कि भाई चार लोगों के सामने गेटअप बने, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अगर तुम मीडियोकर स्टडी कर रहे हो, ट्रिवियल चीजें पढ़ रहे हो जो काम की नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसी पढ़ो जो तुम्हें आउटस्टैंडिंग करती है, ठीक है? तो एक चीज हमेशा प्रिपेयर कंप्लीट, कभी भी बैटल में जब जाएंगे तो हम लोग ये नहीं है कि भाई पिस्तल आ रही है मेरी है और मेरी गन्स आ रही है, लेट मी गो टू द बॉर्डर लाइंस एंड फेस द एनिमीज, नो, फर्स्ट यू टेक द वेपन्स, ठीक है? एक बहुत अच्छा किस्सा याद आया इससे मेरे को, जो उसने तुमको वो समझाया था बॉर्डर, वो टैंक वाली बात, टैंक में समझाया था तुमको मैंने, बहुत लाइफ लेसन अच्छा था कि एक टैंक था उसमें वही थी एक चीज, उसी से एक्सर्ट है एक और, कि आर्मी ऑफिसर्स व्हेन दे गो ऑन पेट्रोलिंग दे आर ऑलवेज हैविंग देयर वेपन्स ऑन देयर लैप, ठीक है? जो भी उनका AK-47 इंसास एक्स वाई जेड वेपन, दे शुड ऑलवेज हैव देयर वेपन ऑन देयर लैप हमेशा, ठीक है? तो क्या है कि एक बंदा था, वो अपना वेपन रखता था, रोज रखता था, कह रहा यार एक दिन क्या हुआ, उसने अपने हवलदारों का जो पीछे बैठते हैं, क्योंकि ऑफिसर आगे बैठता है और पैसेंजर सीट पे, हवलदारों का उसने, हवलदार कीप दिस वेपन, ठीक है, आई एम नॉट नीडिंग दिस राइट नाउ, तो हवलदार कहता है साहब कीप इट, अभी रखो इसे आप, तो कहता है क्यों रखूं भाई, इतने दिन हो गए पेट्रोलिंग फॉर नाउ 365 डेज, एक साल हो गया पेट्रोलिंग करते करते, व्हाई शुड आई कीप इट, नॉट एवरी सिंगल चांस हैज कम कि भाई मैं इसको यूज करूं, इवन दिस बुलेट्स हैव बीन रस्टेड नाउ इन द केस मैगजीन्स, ठीक है, व्हाई शुड आई कीप इट विद मी, कह रहा साहब आज तक नहीं हुआ, ये चांस की बात है, पर जिस दिन अगर हो गया आपके साथ केस और उस दिन आपकी लैपटॉप का वेपन नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा मलाल होगा, हर सब मरेंगे, तो तुम कभी बैटल में अनप्रिपेयर्ड मत जाओ, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, ठीक है? कुछ भी करो, वर्स्ट का प्रिपरेशन रखो अपने पास, भयानक से भयानक केस क्या होगा वो होगा, वो प्रिपेयर करो, अपने आप निकलेंगे मेन चीजें। तो उसने कहा कि साहब आपको अब तक जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर प्लान लो, आज मैंने आपका वेपन रखा, यहां रखा मैंने वेपन अपने पास, और सामने आ गए टेररिस्ट, क्या कर लोगे आप? और हम तो कुछ नहीं, हम तो हवलदार हैं, हम मर जाएंगे, ठीक है, आप भी मर जाओगे इसके साथ, मगर आप तो ब्रेन हो ना, ब्रेन एंड ब्रॉन ऑफ इंडियन आर्मी इज द ऑफिसर्स, ठीक है, आप मर जाओगे तो खत्म ना हमारी कहानी। तो बैटल में कभी प्रिपेयर नहीं होना, ऑलवेज कीप योर वेपन शार्प, तुम्हारा माइंड है वेपन तुम्हारा इस टाइम के लिए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, इतना रल के पढ़ो भाई कि शार्प हो जाओ तुम, चुभ हो भयंकर, समझ आ रही है? मैं तुम्हें एग्जाम्स में जो तुम्हें पेपर्स देता हूं, पेपर्स में तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मैंने दे तो दिया है, तो मेरे को बड़ा, मतलब कल मेरे को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ब्लंट बनाया था, दो घंटा देके तुम्हारी मैंने ना एंजाइटी नहीं बढ़ाई, मैं चाहता था कि तुम्हारे हाथ में ना कहां पे लिखते हुए कि यार टाइम जरा सा बचा है, इतना दे रखा भैया ने, बिकॉज अगर तुम वर्स्ट के प्रिपेयर करोगे तो व्हेन यू हैव 3 आवर्स यू फाइंड इट 20। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा, हम लोगों ने ऐसी तैयारी करी कि साला एक डेढ़ घंटे में 70 क्वेश्चन सॉल्व करके 70 मार्क्स का पेपर, ये तो कुछ भी नहीं है। तब मजा आएगा, तब लगेगा कि हाँ भाई बंदे ने करवा दिया काम तुम्हारा, तब वो चीज सक्सेसफुल लगेगी, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग कंप्लीटली प्रिपेयर करना है, दूसरा चीज कभी फिगर्स को लेके डिसहर्टेंड नहीं होना, ठीक है? कभी भी फिगर्स को लेके डिसहर्टेंड नहीं होना कि 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और भाई हम लोग एक हैं और हमारी प्रिपरेशन भी अभी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? सबसे पहले चीज तुम लोग फेस कर रहे हो, तुम यू आर विनर इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, यू आर विनर, ठीक है? जिस टाइम तुमने सोच लिया कि यार ये प्रॉब्लम खत्म करनी है, हमें उठ के करना, काम को अंजाम देना है, then you are a winner, afterwards जो आता है, that's your fate, that's what you have done, that's what your preparation says, but in the very first step, when you are ready to tackle the problem, you are a winner already, ठीक है? then figures देख के disheartened नहीं हुए हम लोग, we started preparing wholeheartedly now, because we know that we have time, and what is time, which is the main ingredient of your life, ठीक है? तभी बोलते हैं punctual बनो, 5 मिनट पहले आओ, इसलिए तो होता है पास, and army personnel can never be 5 or 10 minutes late, he can be 5 or 10 minutes early, because this is his punctuality, ठीक है? सिखाया थी गाड़ी आती उनके अंदर punctuality, falling time में 4 बजे होता है, 5 बजे होता falling time,
चार बजे हल्ले बजते हैं वहां पे मैसेज में उनके रूम सुन के, उठ जाओ चार बजे हल्ले बजाते हैं। क्यों? पंक्चुअलिटी, टी ब्रेक, घंटा 5-10 मिनट देते हैं टी ब्रेक, उतने में तो लाइन लगती है, कोई नहीं पीता चाय वहां पे। से बताऊ जिस दिन आर्मी में तुम लोग को फॉलिंग के टाइम सुबह चाय पीने को बोला जाता है, लोगों को पता होता है चाय मिलती है नहीं, चाय का केतली भरी रखी होती है, कोई पीता ही नहीं है। पंक्चुअलिटी में पहले वो काम करने कि वहां जाना है फॉलिंग में, वहां हमारी गैदरिंग है। पंक्चुअलिटी तो पंक्चुअल रहो, सबसे पहली बात टाइम से काम जो तुमने डेजिग्नेट करा है आज ये करना है तो ये करना है, फिर चाहे सारा कर हो जाए। मैं सोऊंगा तब जब मेरा काम पूरा होगा, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा इस चीज में, सरस हो जाओ, स्किलफुल, ठीक है। अच्छा तो फिगर्स देख के बहुत लोग डिसहार्टेंड होते, तो उनके लिए ये फैक्ट सामने रखा हुआ है, ठीक है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। सिलेक्शन रेट की लोग बात करते हैं ना, तो दिस इज द सिलेक्शन रेट ऑफ दिस, बट व्हाट वी आर सीकिंग इज दिस। तुम्हें जाना ना आईएएस बनना है, आईएएस हर साल 80 बनते हैं, तुम्हें 80 सीट नहीं चाहिए, तुम्हें एक सीट चाहिए। पागल वाली बात मत करो, स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, ठीक है। तुम्हें जाना है एफएमसी, तुम्हें जाना है एम्स, तुम्हें एक सीट चाहिए, तुम क्या 4 सीट बैठोगे वहां पे जाके? स्टार्ट वर्किंग, 80 मिलती है, एक चाहिए तुम्हें, सोचो कितना अच्छा है। हम लोग वही 80 में एक हो सकते हैं, क्यों नहीं सकते भाई, बहुत ही 80 में एक हो ना, है कि नहीं, क्यों नहीं सकते, मेहनत करते हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें कुछ हैं हम लोग को जो हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखनी है, नॉट जस्ट नाउ बट आफ्टरवर्ड्स, जब तुम लोग यहां चले जाओगे कहीं बाहर कुछ भी कर रहोगे, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज लर्निंग्स, ठीक है। ये स्किल्स वो हैं जो तुम्हें तुम बनाते हैं, ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करने शुरू कर दो। वीकनेस तुम्हें पता होंगी, तुम कभी अपने आप को चीट नहीं कर सकते, यू कैन चीट द पब्लिक, यू कैन चीट द मेजॉरिटी बट नॉट द पर्सन इन द मिरर, ठीक है। व्हेन यू आर फेसिंग योरसेल्फ यू नो कितना डीप हो तुम पानी में, ठीक है, तुम्हें अपने आप में दी जाती है ह्यूमिलिटी और गिल्टी सब मालूम पड़ता है उस टाइम, कितना गिल्ट रिडन चेहरा हो जाता है जब पता चलता है साला इस बंदे ने मेहनत नहीं करी और ये साला हल्ले कर रहा है कि ये होता नहीं है, एग्जाम कठिन है, फिर बहुत बुरा लगता है। तो भाई मेहनत ऐसी करो कि अपने से सेटिस्फेक्शन रहे कि नहीं भी हमने मेहनत करी थी, अगर नहीं होता सिलेक्शन बाय चांस बाय तो मेहनत में कमी रही थी, प्रोसीजर गलत नहीं है। लोग रोते हैं एससी एसटी ये वो सो, तुम्हें एक सीट चाहिए जनरल की, जनरल की कितनी निकलती 500 सीट, 50 सीट जनरल की निकलती है एम्स में, तुम्हें एक सीट चाहिए, ठीक है। और एफएमसी में कोई जनरल और एसएससी में बार बार नहीं है वहां पे, इफ यू आर परफॉर्मर यू विल बी टेकन इन, दैट्स इट, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो बहुत ज्यादा ट्रिवियल चीजों को लेकर हम लोग को डिसहार्टेंड नहीं होना, ये सब ट्रिवियल चीजें होती है, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स यहां बात करनी है। 2000 में एक सिलेक्शन कितना आसान, 2000 बच्चे तो हरिद्वार में ही हरिद्वार में ही है, तो जो उनमें सिलेक्शन हो जाए, उनमें हमारा कंपटीशन है, तो क्या हम 2000 की मेहनत नहीं कर सकते? हाथ पैर मुंह नाक भैंक हर चीज घुसा दूंगा मैं तो उसमें, कि भाई क्यों नहीं होता सिलेक्शन, तुम करना तो शुरू करो, है कि नहीं। तो जो चीज सबसे पहले प्रॉब्लम हो ना उसे हैंडल करो यार, लेट्स नॉट गो टू दी पार्ट कि हम लोग एजेंसी जा रहे हैं या हम लोग कहीं जा रहे हैं। What is first in your sight should be tackled first, ठीक है। अगर मेरे को आर्मी में मैं गया हूं, मेरे को वहां पे एक एनिमी किल करना है, तो उसके सामने भी 4-5 हैं, तो मेरा फर्स्ट मोटिव, मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट मुझे ये बोलेगी कि पहले सामने लगा, वो वाली बात की बात है, वो शायद तेरे को देख भी ना पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इतनी दूर है वो, है मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। तुम लोग हो अपनी एज में, तुम लोग चाहते हो कि तुम आगे चल के एक्स वाई जेड कुछ भी बनो प्रोफेशन, क्या पता प्रोफेशन तुम्हें देख भी ना पा रहा हो प्रोफेशन, बिकॉज यू आर बोर्ड हो गए फर्स्ट, वो बोर्ड इतना बड़ा पर्दा लगा हुआ है बोर्ड का, है वो तुम्हें देख ही नहीं पा रहा होगा तुम्हारा प्रोफेशन, कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है, तुम्हें नेवी ज्वाइन करनी है, तुम्हें एफएमसी जाना, तुम्हें एम्स जाना, तुम्हें एक्स्ट्रा जेड मेडिकल कॉलेज जाना है, वो जो देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि वहां है और तुम्हारे सामने बोर्ड का पर्दा लगा हुआ है, पहले इसे फाड़ो बोर्ड भी पढ़ दो, इसे खत्म करो, फर्स्ट प्रॉब्लम गई, तो तुम्हारा विजन थोड़ा और क्लियर हो गया ना, वी कैन वर्क इन मोर डायरेक्टेड वे, तो ये चीज है। तो सबसे पहले चीज को टैकल करेंगे, उसके बाद उसकी दूसरी चीज को टैकल करेंगे, शायद वो दूसरी भी ना हो, शायद वो 10वीं 12वीं 11वीं हो, ठीक है। तो ये चीज है, प्लान ए और प्लान बी के बारे में लोग बात करते हैं, प्लान ए प्लान बी, ठीक है, समझते क्या होता है। प्लान ए जो तुम्हारा हार्ट एंड सोल कहता है कि ये चीज करनी है, ठीक है, प्लान बी भी वही होना जो तुम्हारा हार्ट एंड सोल में कहता है, समझ आ रही बात। लोग बहुत ज्यादा करते हैं, नीट नहीं होगा ना, मैं बीएससी डाल दूंगा, मैंने ये किया था और मुझे पता है कितना दिमाग खराब होता है इसके बाद,
बिकॉज हमारी बॉडी हमेशा कंफर्ट की तरफ भागती है. नीड इज अ डिसकंफर्ट, ठीक है, वो तुम्हें एक ऐसे जोन में ले जाएगी जहां पे छिताई पिटाई हो रही है. कौन जाना चाहेगा वहां पे? बीएससी वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी टू मी. अरे कुछ भी नहीं है लो, हाँ ये तो 11 पढ़ा था, इसे थोड़ा और पढ़ना है, और पढ़ लिया बीएससी हो गई. बट व्हाट वाज आउट ऑफ माय साइट वाज नीड. कंप्लीटली भूल गया मैं उस चीज को, मैंने यही सोच के डाल देता. तब तुम बोलते हो जो बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं ना भाई, उनके लिए जिगरा है भाई. ट्रिक्सी जो है इस टाइम फोर्थ या थर्ड ड्रॉपर है उसका इस टाइम, जिगरा है, ठीक है. शी गॉट अ हार्ट ऑफ स्टील. क्योंकि तुम्हारे साथ के जब लोग निकल रहे हुए हैं भाई, तुम किसी ने कोई कॉलेज में ले लिया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, देन ऑटोमेटिकली गो इनटू पीयर प्रेशर मोड. ऑटोमेटिकली तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, यू अंडर गो पीयर प्रेशर मोड कि भाई ले यार वो कर रहा है, ये कर रहा है, एक्स वाई जेड. बहुत पेरेंट्स की दिक्कत होनी शुरू होगी, पेरेंट्स बोलेंगे यार देखो यार उसने ये कर दिया, यार देखो उसने ये कर दिया. बट तुम लोग का जो मोटिव है ना वो पूरा नहीं हुआ, और वो नहीं है जो तुम्हारे दोस्त का था, ठीक है. तुम्हारा मोटिव तुम्हारा मोटिव है. तुम्हें अगर आगे चल के बिजनेस करना है तो तुम्हारा बिजनेस करना है, और कुछ नहीं दिखना चाहिए. अगला बंदा चाहे कहीं भी जॉब करता रहे, तुम्हें अगर वहां जाना तो तुम्हारे ड्रीम्स थोड़े वो करेंगे मैच किसी से. तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारी जो पावर टू रेजोनेट होगी विद ड्रीम्स वो डिफरेंट होगी उन बंदे से, ठीक है. तो जो और जो लोग बकवास करते हैं ना कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ रेजोनेट करनी चाहिए, बहुत बेवकूफी बात होती है, ठीक है. कि जो तुम्हारा गोल है तुम्हारे अंदर वो चीज होनी चाहिए. नो, यू विल डेवलप इन द प्रोसेस, ठीक है. लोग बकवास करते ना कि भाई अगर तेरे को आर्मी ना आर्मी लेते रहना शुरू कर दे, तो फर्स्ट स्टेप तेरे को देख रहे मजा आ रहा है बंदा, आई एम वेरी फेस मस्ट वेरी मच फैसिनेटेड, आई एम चार्म्ड बाय आर्मी, आई एम चार्म्ड बाय द यूनिफॉर्म्स दे आर वेयरिंग. नो, द फर्स्ट थिंग कि भाई मेरे को पहले अपने करना है ना वो जो प्रोसेस तैयार करना है. जब मैं अंदर जाऊंगा तब मैं बनूंगा ना ऑफिसर. वो बंदा बन चुका है भाई, वो बंदा है अंदर, मैं अंदर जाके बनूंगा. जरूरी नहीं है कि मैं शुरू से ही वो हूं. हाँ, एक आध दो कैलिबर सबके पास होता है, कैपेबिलिटी प्रॉपर्टीज होती है, लगता है कि हाँ मैं इंस्टिंक्टिव हूं, मैं इसमें जाके कच्चा कर सकता हूँ, तो वो चीज तो रहेगी रहेगी तुम्हारे साथ. और बाकी चीज तुम्हारे पास एक प्रोसेस डेवलप होगी, शुरू से नहीं होना चाहता. लोग ये समझते हैं नीट का एग्जाम डॉक्टर बनने के लिए या डॉक्टर के पीएचडी करने के लिए, बेवकूफ वाली बात. लोग ऐसे ऐसे चीजें पढ़ते ना, मेरे को आगे लोग फैक्ट्स बताते, फैक्ट्स कि सबसे बड़ी मसल कौन सी है. भैया मैं नीट देने जाता हूँ, अब मुझे ये पता सबसे बड़ी मसल कौन सी बॉडी की, बताया कौन सी, सार्टोरियस मसल सबसे बड़ी बॉडी, सबसे छोटी कौन सी, स्टेपिडस. पिछले 12 सालों में नहीं आया क्वेश्चन, 12 जब से बना है नहीं तब से नहीं आया क्वेश्चन. ये उन लगता है ये जो था ना आउटस्टैंडिंग चीज, ये मजा आ गया, ये मुझे नया पता, मैं शायद नीट जाऊंगा, मैं पैकेज हूं भाई नीट वाला, मुझे पता है. ये तो शायद इंग्लिश वाले को भी नहीं पता होगी बात है. तो ये मेहनत करनी हम लोग को. आपने तो कहा कि पूरा पढ़ो यार, तो मैं क्या बोल रहा हूं, उसे लग रहा है कि वो नीट है, उसे ये गलत फहमी है ना कि ये चीज नीट है. नीट में तुमसे ऐसी छोटी मोटी पूछ, नीट तुम्हें एनसीईआरटी है ये बोल दिया मैंने तो. अब मेरे क्या भाई, नीट खुद कहता है एनसीईआरटी में, ठीक है. तो एनसीईआरटी से ऐसा एकदम वेलवर्स हो जाओ भाई, अब तो सब एनसीईआरटी है यार. एनसीईआरटी तुम्हारा कंसेप्ट है, एनसीईआरटी से कंसेप्ट. अगर तुम्हें एनसीईआरटी वही है ना, एनसीईआरटी केक है, समझ रहे हो, पुट इट लाइक दैट वे. एनसीईआरटी का केक, व्हेन यू लर्न द एनसीईआरटी यू कैन मेक मच ऑफ पेस्ट्रीज आउट ऑफ इट. एससी वर्मा इज नॉट न्यू, क्योंकि भी तुम्हें नया आ गया वो एनसीईआरटी, इट टॉक्स फैक्ट. एनसीईआरटी ने ये बोला है हम इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, ये चीज है वो. मतलब जेई में क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन अगर दे रहे ना पाओ की जमीन खिसक जाएगी. वो चार पांच चैप्टर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर मिला दिया और एक क्वेश्चन बना दिया उसने, ये है जेई. तो इससे बंदे की दिमाग खुलती है, मगर ये कब होगा, जब उसे बुक आती होगी, उसे एक चैप्टर नहीं आता होगा. अगर तुम ये सोचे यार कि मैं ये चैप्टर पढ़ लेता हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर नीट एग्जामिनेशंस, तो तुम यू आर गोइंग अनप्रिपेयर्ड, तुम नहीं कर सकते नीट टेक, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं कहीं जगह मिला के दे देगा, है कि नहीं. तो ये चीज है, पूरा प्रिपेयर करो. और फैक्ट्स जो है ना, नए ये जो यूट्यूब वाले होते हैं, और ये इसमें पूछे गए पिछले साल के 6 साल से कठिन क्लिक बेट बढ़ते हुए क्लिक मार दो बैन कर 1,00,000 व्यू, उसके तो हो गए पैसे बन गए, तुम्हारा बेवकूफ बन गया ऐसे वाली. वो पूछते हैं भाई क्या बताऊं, सरदार था मेरा दोस्त, ठीक है, वो कह रहा भाई जब मैं SSB जाऊंगा ना तो मुझे पता हूं मैं गिन के जाऊंगा सीढ़ियां कितनी है. मैंने क्यों कह रहा, क्योंकि आप पूछ लेते हैं सीढ़ियां कितनी चढ़ के आए.
उन्हें खुद नहीं पता, वो कहते वही ना ये पूछते कि कितने बटन शर्ट के तुमने पैंट के नीचे कर रखे और कितने शर्ट के ऊपर कर रखे। अबे ऐसा मेरा अंदर खून चलता था, खून ये सब बातें, मैं तब भी मेरा खून चलता था सोच के। अवेयरनेस में बटन नहीं आते वो, अब तुम बोल दो सर तो नकली बटन है, मैं तो वो वेलक्रो पहन के आया हूँ, क्या कर लेगा वो तेरे उतरवा के देगा। झंडू मामा में विश्वास मत करो, मार्केट में बहुत कड़वा बेवकूफी बेची जाती है, बेवकूफी बहुत मीठी होती है मगर ट्रुथ बहुत कड़वा होता है, मगर बिकता कम है। अगर ये मैं तुम्हें बता, ये चीज अगर एम्स वाले और ये जो आकाश पताल वाले ना ये बताने लग जाए तुमको फिगर्स सालों के इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे इतने संरक्षण हुए। अबे तुमने एनरोल कितने के थे पहले बताओ, ऑल ओवर आकाश में इतना बच्चा सिलेक्ट हुआ 219 सेशन हो, भयंकर वैसा कर रहे 219 सेशन हो गए भाई। अबे तुमने भयंकर 6 लाख बच्चा अपने इंस्टीट्यूट में भर रखा है, 219 6 लाख में 219 टट्टी पढ़ाई, मैं तो मुंह खोले बोल टट्टी पढ़ाई होगी भी पढ़ाई, ठीक है मगर टट्टी पढ़ाई है। 200 के सिलेक्शन दे रहे हैं भाई, 6 लाख बच्चों में 6 लाख का सिलेक्शन दो ना, सीट्स नहीं है मैं जानता हूं। तो जैसे आपने कहा प्लान ये नीट है, प्लान बी है बीएससी है, पर आपने ये भी कहा कि नीट में नहीं फंसना, तो आपने तो अच्छा ही करा ना, बीएससी करके नॉलेज तो मिल गई भाई, आप देख रहे हैं कि तो जिंदगी भर का मिला ना, लेकिन आप नीट में रहते, मैंने नहीं करी ना, मैंने मेरे को पता था। अगर आप फिर से नीट के लिए करते ना प्लान बी भी नहीं होता आपका, फिर अगले साल भी आप ड्रॉप, हां मैं कहीं और होता, ये हो सकता है मैं कहीं और होता बट More wise. नहीं आप फिर ड्रॉप कर देना अगर प्लान बी भी नहीं ही होता, हाँ फिर अगर तब भी नहीं चलता तो मैं दोबारा ड्रॉप कर, फिर उधर मैं वही खेल, तब मैं निकल गया तब तक कर रहा हूँ, फिर ये मेरी बिल ऑफ पावर अभी की नहीं है, एक महीने कुछ चार सालों में।